हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम मोर्टगेजी के राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फोरक्लोजर या सेल का जो अधिकार था मोर्टगेजी के पास, जो उसको सेक्शन 67 देता है, वो हमने पढ़ा था। आज हम सेक्शन 68 को पढ़ेंगे। ये सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, सेक्शन जो हमारा 68 है ये भी और सेक्शन 69 भी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मैंने इसकी जो क्लास सूची की इसको अलग अलग ही बनाऊंगी, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो सेक्शन 68 पे चलते हैं। सेक्शन 68 कहता है राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी, कि कब ऐसे होता है कि मॉर्गेजी का ये अधिकार होता है कि वो मॉर्गेज मनी के लिए केस फाइल कर सकता है। पहला राइट उसको दिया गया है कि वो फोरक्लोज कर सकता है या सेल करा सकता है। दूसरा अधिकार उसको ये दिया जा रहा है कि जो उससे पैसा लिया गया था और पैसा लेने के बाद जो है उसका पैसा रिटर्न नहीं हुआ, तो उस केस में वो केस भी फाइल कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दिला दो। लेकिन कब फाइल करेगा? तो सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता है कि जो इस सेक्शन में जो कंडीशन बताई गई है उन कंडीशन को छोड़ करके वो कभी भी मॉर्गेज मनी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। तो कौन कौन सी कंडीशन है? चार कंडीशन ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि मॉर्गेज मनी के पेमेंट ना होने पर मॉर्गेजी जो है केस फाइल कर सकता है। तो पहली कंडीशन है मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रिपे द सेम। जब मॉर्गेजर खुद को कहता है कि मैं जो रिपे करूंगा, क्या रिपे करूंगा, मैं मॉर्गेज मनी को रिपे करूंगा, खुद को बाइंड करता है मॉर्गेजर, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जब वो नहीं करता, बाइंड होने के बावजूद भी वो मॉर्गेज मनी पे नहीं करता, तो ये मॉर्गेजी का अधिकार आ जाता है कि वो उसको सू करे उस मनी के लिए। ये सिंपल मॉर्गेज में वो खुद को बाइंड करता है कि वो पैसा जो है वापस करेगा। इसका जो सेक्शन है हमारा 68, इसके सब सेक्शन 1 के बाद एक प्रोविजो ऐड किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि जो ये हमारा क्लोज ए है, इस क्लोज ए में क्या कहा कि जब मॉर्गेजर खुद को बाइंड करता है कि मैं पेमेंट करूंगा, पैसा मैं दूंगा, लेकिन मॉर्गेजर अगर अपने जो प्रॉपर्टी है उसको किसी और को ट्रांसफर कर देता है, तो जो वो जो ट्रांसफर होगा वो, या फिर मॉर्गेजर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दोनों में से कोई भी अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रखता है, तो वो इस क्लोज में नहीं आते। मतलब कि जब अगर मॉर्गेजर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस ट्रांसफर के साथ में ये वाली क्लोज एप्लीकेबल नहीं होती है। मींस वो व्यक्ति जिसको ट्रांसफर किया गया, वो व्यक्ति बाइंड नहीं है, बाउंड नहीं है कि वो मॉर्गेज मनी को पे करेगा, और इस सेक्शन के इस क्लोज की जो प्रोविजो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो ले रहा है प्रॉपर्टी को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके पास प्रॉपर्टी आ गई मॉर्गेजर की, तो उस केस में भी ये होगा कि वो बाइंड नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि उसको ये क्लोज जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, सिर्फ मॉर्गेजर के ऊपर ये क्लोज एप्लीकेबल होगी, ये हमें ध्यान रखना है। क्लोज बी कहता है खुली और पार्शली डिस्ट्रॉयड। देखो क्लोज बी, सी और डी बहुत लंबा तरीके से बहुत सारे शब्दों में जो है बेरेक में डिफाइन किया गया है, तो वो सारे शब्द लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं था। मैंने उसके क्लू जो है आपके लिए रख दिए हैं। पहली बात क्या लिखी है? खुली और पार्शली डिस्ट्रॉयड। क्या डिस्ट्रॉय होगा? मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर ऐसा हो, क्लोज बी ये कहती है कि अगर ऐसा होता है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है तो वो कम्प्लीटली या फिर उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन में ना तो मॉर्गेज का खुद का, मॉर्गेजर जो होता है उसका खुद का हाथ होता है, ना मॉर्गेजी का हाथ होता है, मीन्स दोनों का फॉल्ट नहीं होता, लेकिन मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्प्लीटली या पार्टली डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर वो इनसफिशियंट हो जाती है। जैसे हमने सेक्शन 66 में पढ़ा था कि इनसफिशियंट प्रॉपर्टी कब गिनी जाती है, तो जब प्रॉपर्टी इनसफिशियंट हो जाती है उस केस में भी वो क्या होता है, अब ऑब्वियसली बात है मॉर्गेजी तो ये कहेगा ना मेरी प्रॉपर्टी को सफिशियंट करो, कंप्लीट करो। हमको अच्छे से पता है, सेक्शन 66 को हमने इलैबोरेट करके पढ़ा था इसीलिए कि सफिशियंट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो बोलता है कि मुझे सफिशियंट प्रॉपर्टी दीजिए, तो उसके लिए वो मॉर्गेजर के पास जाता है, उसको जो कहता है कि इसको कंप्लीट करो, सफिशियंट करो, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो है टाइम पीरियड दे जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रक्शन हो गया है या फिर वो इनसफिशियंट हो गई किसी भी वजह से, सेक्शन 66 के प्रोविजन यहां अट्रैक्ट होते हैं, तो उस केस में बोल रहे हैं कि वो अब मॉर्गेजी मॉर्गेजर को बोलता है कि आप मुझे इसे कंप्लीट करा के दीजिए ताकि मेरी सिक्योरिटी मुझे पूरी लगे। अब वो नहीं करता है, उसके बावजूद भी जो अपॉर्चुनिटी उसको दी है, उसको टाइम पीरियड दिया मॉर्गेजी ने, उस टाइम पीरियड के बाद भी वो जो है नहीं कंप्लीट कराता है जो सिक्योरिटी है, जो प्रॉपर्टी है, तो फिर ये मॉर्गेजी का अधिकार होता है कि वो मनी के लिए इसको सू कर सकता है, इसको मॉर्गेजर को। क्लोज सी कहता है डिप्राइव्ड ऑफ होल और पार्ट बाय और कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट बाय मॉर्गेजर। अगर मॉर्गेजर कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से जो रॉन्गफुल है या डिफॉल्ट से हो जाता है, उसे मतलब जानबूझ के नहीं करता, वो हो जाता है किसी वजह से जो है मॉर्गेजर की वजह से
प्रॉपर्टी जो होती है या तो होली या कंप्लीटली या होली या फिर पार्शली जो मोर्गेजी होता है उससे वो डिप्राइव हो जाता है, उसे वंचित कर दिया जाता है मोर्गेज प्रॉपर्टीज को जो है मोर्गेजी से मोर्गेज प्रॉपर्टी को कम ले लिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है तो कम्प्लीटली या फिर क्या बोल रहे हैं पार्शली मोर्गेजर के या तो डिफॉल्ट से या फिर उसके रॉन्गफुल एक्ट से। तो उस केस में वो बोलता है क्या करेगा, वो बोल सकता है कि मेरे को मोर्गेज मनी दो, नहीं मिलती तो वो सू करता है। फिर क्लोज डी, यहाँ पर देखिए मोर्गेजर फेल्स टू डिलीवर और सिक्योर पोजेशन, यहाँ पोजेशन की बात हो रही है। तो जब भी मोर्गेज प्रॉपर्टी जो हुई है पोजेशन के लिए सुप्रिक्शन मोर्गेज में, तो जो प्रॉपर्टी का जो इनकम जनरेट होती है उसी से उसको अपनी प्रिंसिपल मनी भरनी होती है, तो प्रिंसिपल मनी के लिए तो वो नहीं जाता, हमें पता है केस नहीं फाइल करेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, वो ये कह रहा है कि मोर्गेजर फेल्स टू डिलीवर और सिक्योर पोजेशन। तो अगर ऐसा हो जाए कि उसको जो प्रॉपर्टी दी जानी थी मोर्गेज में रखी जानी थी उसके पास, उसकी जो पोजेशन है वो मोर्गेजर खुद ही बार बार इंटरप्ट करता है, ऐसे घर दिया है उसको कि आप घर रख लो मेरा गिरवी पे, यहाँ पे आप रहने लग जाओ, और वो रह रहा है या फिर उसे रेंट पे चढ़ा रखा है उसने, और उसे जो रेंट आता है वो बार बार जाके टेनेंट को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है उन्हें जो जबरदस्ती में कि बोले मेरी प्रॉपर्टी है ये, ऐसे नहीं यूज करो तुम, ऐसे नहीं यूज करो। तो टेनेंट को प्रॉब्लम आ रही है, टेनेंट किसको बोलेगा, मोर्गेजी को बोलेगा कि देखिए आपने मुझे दिया था इसको और ये इस तरह से आ रही है प्रॉब्लम। तो मतलब मोर्गेजर के खुद के काम से उसकी पोजेशन में प्रॉब्लम आ रही है जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है वो कहता है मेरे पास बेटर टाइटल है देन मोर्गेजर। तो उन दोनों ही वजह से अगर मोर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन सिक्योर नहीं होती है मोर्गेजी के पास, यानी मोर्गेजर फेल हो जाता है प्रॉपर्टी को डिलीवर करने में, पोजेशन देने में या फिर उसकी पोजेशन को सिक्योर करने में, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, वो पैसे के लिए तो नहीं, तो मोर्गेज की पोजेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया ठीक है अपनी प्रॉपर्टी रख लो अपने पास, मेरे को मेरे पैसे दे दो, वो वापस से क्या करेगा सू करेगा। तो इन चार केसेस में ही सिर्फ और सिर्फ मोर्गेज मनी के लिए सू हो सकता है, इसके अलावा नहीं। कौन कौन से, जब मोर्गेजर खुद को बाइंड कर देता है, जब कम्प्लीटली या पार्शली जो मोर्गेज प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर इनसफिशियंट हो जाती है, या उसे मोर्गेज प्रॉपर्टी से जो मोर्गेजी होता है उसको डिप्राइव कर दिया जाता है, या उसको पोजेशन जो है वो सिक्योर नहीं होती है, तो इन चार केसेस में वो जाके केस फाइल कर सकता है। और हमने प्रोविजन में पढ़ लिया अगर मोर्गेजर किसी को ट्रांसफर करता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है मोर्गेजर को, तो वो बाइंड नहीं होता क्लोज ए के लिए। अब सबसेक्शन टू पे चलिए। सबसेक्शन टू कहता है कोर्ट एट डिस्क्रिशन स्टे द सूट एंड प्रोसीडिंग्स अंडर क्लोज ए और क्लोज बी। ये समझ में आ जाए सबसेक्शन टू में, इतनी बात तो समझ लेना कि जो सबसेक्शन टू है वो एप्लीकेबल होता है क्लोज ए और क्लोज बी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लोज ए या क्लोज बी का मुकदमा कोर्ट में आता है, यानी जब मोर्गेजर ने खुद बाइंड किया या डिस्ट्रक्शन हुआ प्रॉपर्टी का इनसफिशियंट हुई, तब मोर्गेजी केस लेके कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट अपने विवेक पे जब चाहे जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है या सूट जो होता है उसको स्टे कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को स्टे कर सकते हैं जब उनको अपने विवेक पे लगे कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो कंडीशन, ये कंडीशन जो है सूट को स्टे करने की या प्रोसीडिंग्स को स्टे करने की, तीन कंडीशन होनी चाहिए तब तक रहेगा। वो कौन कौन सी कंडीशन है सुन लीजिए, वो भी सबसेक्शन टू में कहा गया है। अगर मोर्गेजी, सुनिएगा, अगर मोर्गेजी खुद से अपने अधिकार को छोड़ देता है, अबेंडन वर्ड यूज किया है, त्याग देता है अपने अधिकार को, तब ये पावर नहीं है, तब ये चीज नहीं आएगी, ये चीज नहीं इस्तेमाल होगी, डिस्क्रिशन नहीं हो सकता, सूट में से नहीं आ सकता, तो वो खुद ही अपने राइट्स को छोड़ रहा है, या फिर एग्जॉस्ट हो जाता है जो रेमेडीज हैं, जो रेमेडीज ले सकता था, ये सब रेमेडीज ले सकता था, वो सभी रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लिया उसने, तब भी जाकर के यहाँ ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। या फिर वो जो होती है प्रॉपर्टी, जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे पोजेशन की बात करी, वो वापस से क्या करता है रिट्रांसफर कर देता है मोर्गेजर को, तो उस केस में भी क्या होगा, ये वाले जो हमारा सबसेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट में मोर्गेजी आया मोर्गेज मनी के लिए, वो खुद ही अपने अधिकारों को छोड़ रहा है, एग्जॉस्ट करके आया है या प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफर करके आया, तो कोर्ट किसके लिए डिसीजन देंगे, तो कोर्ट अब सूट पे स्टे या प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं होगा अगर ये तीन चीजें हुई हो। अगर ये तीन चीजें नहीं हुई है तो क्लोज ए और क्लोज बी में जब भी कोर्ट को लगे कि स्टे करने की जरूरत है, प्रोसीडिंग पे स्टे करने की जरूरत है, तो वो स्टे कर सकते हैं, अपने विवेक पे उनके डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा तीन चीजें अगर हैं, पॉसिबल वहां पर है, अभी तक नहीं त्यागा है उसने, एग्जॉस्ट नहीं किया है, ट्रांसफर नहीं किया है, तो कोर्ट कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें उसने कर दी है जो मैंने आपको बताया, तो ये वाला सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप रनिंग एंड कीप स्माइलिंग, बने रहिएगा नेक्स्ट सेक्शन में, और आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। थैंक यू सो मच।